Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. मिठाइयाँ, राखी और प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन हर साल बड़े ही उल्लास और बड़े ही प्यार से मनाया जाता है। ये भाई बहन का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन कोरोना के इस काल में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में जो त्यौहार है उनके कहीं ना कहीं रौनक गायब हो जा रही है। त्यौहार है, चाहे मार्केट हुई या जो मार्केट में मिठाइयाँ हुई, उनकी कहीं ना कहीं वो फीकी पड़ जा रही, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है और इसके साथ आपको त्यौहार भी मनाना है, खुद की सुरक्षा भी रखनी है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा बात यह है कि जो मार्केट है या जो व्यापार है, उनके व्यापारी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, उनकी दुकानों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि त्यौहार में कोई निकल नहीं रहा है। और ऐसे में रक्षाबंधन जैसा त्यौहार आता है, मिठाइयों की भरमार लगती है हर साल, लेकिन इस साल जो है कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो फीकी पड़ी है। क्या लगता है इस साल जो है वो मार्केट आप लोग की कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है, लोग नहीं आ रहे? डाउन है जी, एकदम बिल्कुल मार्केट डाउन है, कोई भी दुकानदारी भी नहीं है। सुबह से आप मिठाइयाँ लगाए हुए, मतलब कितनी बिक्री हो गई अब? कहीं ना बिक्री, वो तो क्या सुबह से बैठे पड़े हैं, कोई भी काम दाम नहीं है, लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे ना बिल्कुल, कोई भी नहीं, देखो रोड खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। पिछले साल क्या था, पिछले साल लोग आए थे, पिछले साल बिक्री हो रही थी? हाँ, पिछले साल तो खैर ठीक था, मगर इस साल तो कुछ भी नहीं है। इस साल कुछ भी नहीं, तो व्यापारी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। हाँ, इस साल मतलब बहुत बड़ा असर पड़ा होगा, कहीं ना कहीं व्यापारी पर जो है बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन आम जनता किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रक्षाबंधन मना रही, किस तरीके से आप लोग रक्षाबंधन मना रहे? हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, अपना भाई को अपना राखी बांधने आई हूँ, अभी जा ही रही हूँ, रास्ते में हूँ। कोरोना जो है जिस वजह से पूरा त्यौहार जो है वो फीका पड़ गया इस बार? हाँ, फीका पड़ गया, हर त्यौहार फीका पड़ गया, अब तो मनानी पड़ती है, लेकिन फिर भी थोड़ा दूरी दूरी रह करके अपना कर रहे हैं। हाँ, खुद की भी सुरक्षा करना है और त्यौहार। हाँ, खुद की सुरक्षा भी करना पड़ता है, दूसरों को भी वो करना पड़ता है, इस चक्कर में हम कर रहे हैं। कोरोना भी है, किस तरीके से आप त्यौहार मना रहे हैं, खुद की सुरक्षा? सुरक्षा ये मैम, भरी भरी भी ले जा रहे हैं त्यौहार मनाएंगे जाके। कोरोना है, क्या लगता है इस बार त्यौहार फीका पड़ रहा है? बिल्कुल फीका है, कुछ है ही नहीं ऐसा, ये मार्केट सुनसान है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्या करें क्या नहीं करें, जैसी मिल रही भरी भरी ले जा रहे। किस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके त्यौहार मना रहे? मास्क पहन रहे हैं और थोड़ा लाज लगा रहे हैं। इतना ही था, इतना माल ही नहीं था, इतना थोड़ा बहुत माल था हमारे पास, इतना ही हमने बेच दिया। सुबह से बिक्री नहीं हुई, पिछले साल की बात करें तो इस साल कम बिक्री? पिछले साल से कम है, व्यापार पर काफी असर पड़ा, बहुत असर पड़ा है। तो व्यापार पर जो है काफी असर पड़ा, लेकिन फिर भी लोग त्यौहार जो है वो मना रहे, क्या कहेंगे त्यौहार इस बार किस तरीके से मन रहा है, कोरोना है मतलब फिर भी त्यौहार लोग मना रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो है राखी में बिक्री हो रही है? बहुत कम हो रही मैडम, बहुत कम हो रही राखी, पिछले साल से आधी राखी हो रहा है, पब्लिक ही नहीं है, पब्लिक ही नहीं है, तो इस बार बहुत कम बिक्री हो रही, बहुत कम बिक्री हो रही। क्या लगता है कोरोना की वजह से व्यापारी पर बहुत असर पड़ा? कुछ तो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास पैसे की, मनी की कमी हो गई, इस वजह से थोड़ा डाउन चल रहा है जी, तो व्यापार पे काफी असर पड़ा जी, बहुत। पिछले साल की बात करें तो क्या पिछले साल ज्यादा बिक्री हुई? पिछले साल इससे डबल बिक्री हुई, ज्यादा हुई, इन साल आधी बिक्री कम है। वो त्यौहार मना रहे, हालांकि खुद की सुरक्षा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना बेहद जरूरी है, मास्क लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसे में त्यौहार जो भाई बहन के सबसे बड़ा पर्व है रक्षाबंधन, त्यौहार भी लोग कहीं ना कहीं मना रहे हैं। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ आयुष श्रीवास्तव, गाजियाबाद। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग।